दोस्तों जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले तो हमें खाने पीने के कई सारे स्टॉल और छोटे बड़े कई ढाबे दिखाई दिए। दोस्तों अगर आप जबलपुर शहर देखना चाहते हैं तो आपको आसानी से ऑटो रिक्शा टैक्सी मिल जाते हैं। सीओडी जाने का रास्ता है यहाँ से। सामने सीओडी कॉलोनी, ये सीओडी कॉलोनी। हाँ ये इंजीनियर्स के हॉस्टल्स हैं, महिला हॉस्टल। कौन सी जगह है रांझी? तो अभी बज चुका है शाम के 4:30 और हम सभी लोग जा रहे हैं कचनार सिटी की ओर। तो चलिए आपको दिखाते हैं जबलपुर की कचनार सिटी। दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर बसा जबलपुर शहर मध्य भारत के प्रमुख शहरों में से एक है। इस खूबसूरत शहर में एक ऐसा दर्शनीय स्थल है जहां आपको जरूर जाना चाहिए। जी हां, मैं बात कर रही हूं कचनार शहर की। कचनार शहर में भगवान शिव की आसमान छूती मूर्ति है जो कि लगभग 76 फीट ऊंची है।
अभी कचनार सिटी में है, तो हम इसके अंदर जाएंगे और हम दर्शन करेंगे। तो इसके खुलने का समय बताया है प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे। यहाँ से आपको भगवान शंकर के दर्शन होते हैं। दोस्तों, यहाँ भगवान शिव जी की मूर्ति गुफा के ऊपर स्थापित की गई है और गुफा के अंदर 12 शिवलिंग की स्थापना की गई है, जो कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों का प्रतिरूप है। दोस्तों, मंदिर में बना बगीचा सभी का मन मोह लेता है और यहाँ साफ सफाई का काफी ध्यान रखा गया है। यहाँ लोग दूर दूर से महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं और महादेव जी यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। Thank you.